आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये ही नवदुर्गा की प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ भी होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री का स्वरूप अति दिव्य है। माँ के दाहिने हाथ में भगवान शिव के द्वारा दिया गया त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं और इन्हें समस्त वन्य जीव जंतु का रक्षक माना जाता है। माँ शैलपुत्री माता सती का अवतार हैं। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद सती योगाग्नि में भस्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हासिल होती हैं। शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी की पूजा फूल अक्षत रोली चंदन से होती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरिता पदाम उमा गौरी सती चंडी कालिका सा च पार्वती। जय माता दी। कहते हैं कि सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन उस माँ के चरण में, हम हैं उस माँ की चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। पतित पावन माँ जगदम्बा के इस पावन अवसर यानी श्रद्धा समर्पण के इस पावन त्योहार नवरात्रि के विशेष पर्व पर जय पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम 9 दिन नवरात्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत हम आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं कि किस तरीके से माँ की साधना की जाती है, शक्ति स्वरूपा की अर्चना की जाती है और उन्हें रिझाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी मौजूद हैं रमन शर्मा जी हैं। पंडित जी से हम जानकारी लेंगे और भी सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आइए सीधे मिलवाते हैं और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा माई शारदा, मेरे कार्य करो अनेक, जय जय मां। बैल चढ़े शंभू मिले, गरुड़ चढ़े श्री भगवान, सिंह वाहिनी दुर्गा मिली, हो सबका कल्याण, जय जय माँ। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, जय जय माँ। 8 पहर 64 घड़ी, 2 चरणादा ध्यान, जय जय माँ। आप सभी को प्रथम नवरात्र माँ शैलपुत्री के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथमे शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे चतुर्थ कूष्मांडे पंचम स्कंद मातेती छठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धि रात्रि अथ नव दुर्गा सप्तती। आज माँ भगवती का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। आज माँ शैलपुत्री का पवित्र पावन दिन है। माँ सभी के घरों में आज अपना यह स्वरूप दिखा रही हैं और सभी के ऊपर मंगल छटा बिखेर रही हैं। आप सभी को इस पारस परिवार की ओर से शैलपुत्री माँ के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पंडित जी, हम दर्शकों को भी यह जानकारी दिलवाएंगे कि ये आज पावन पुनीत जो पर्व है, इसके साथ साथ माँ दुर्गा के इस शक्ति उपासना के दो पर्व होते हैं। पहला तो शारदीय नवरात्र और दूसरा चैत्र नवरात्र। इस चैत्र नवरात्र में अगर हम बात करें उपासना की, इसके पहले ये जानने की हर समय मनसा होती है कि आखिर में माँ शैलपुत्री नव दुर्गा के इस स्वरूप में शैलपुत्री जी को पहले स्थान पे क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे का क्या कुछ है? माता शैलपुत्री को प्रथम स्थान मिला है, यानी ऐसे तो सभी देवियां बराबर हैं, परंतु ये पहली दुर्गा हैं, ये शैलपुत्री पहली दुर्गा स्वरूप हैं जिनको प्रथम दिन पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, किस लिए पूजा जाता है और क्या है माँ की कथा?
ये आज से कई वर्षों पूर्व यानी काफी समय पहले की कथा है। माता शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में दक्ष राज की पुत्री थी, जी यानी जो दक्ष प्रजापति थे उनकी पुत्री थी, और इनका नाम था जो एक सती। जी ये सती देवी थी और इन्होंने अपने पिता के ही यज्ञ के अंदर अपनी देह को भस्मीभूत कर दिया था, जब भगवान शंकर को जो है दक्ष प्रजापति ने नहीं बुलाया था। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा विशाल एक यज्ञ किया था, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी देवी देवता बुलाए, इंद्र ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता पधारे, परंतु उसने अपने भगवान शंकर से विद्रोह के कारण भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती जब भगवान शंकर से अपने पिता के घर जाने का आग्रह करती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने में किस प्रकार का जो है क्या कहते हैं बुलाने की आवश्यकता है, मैं तो अपने पिता के यहाँ बिन बुलाए भी जा सकती हूँ। भगवान शंकर ने बहुत कोशिश करी माता सती को समझाने की, परंतु माता सती नहीं मानी। जब भगवान शंकर ने देखा कि देवी सती की प्रबल इच्छा है दक्ष प्रजापति के घर जाने की, तो भगवान शंकर ने उनको आज्ञा दे दी। माता सती जब वहां पर पहुंचती हैं दक्ष प्रजापति के अपने पिता के घर, तो कोई भी उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करता, ना उनकी बहन, ना उनके पिता, ना ही कोई राज्य का कोई भी अन्य व्यक्ति उनकी तरफ देखता नहीं है या उनकी बात का उत्तर भी नहीं देता है। परंतु उनकी माता उनसे बात करती हैं और उनकी सभी प्रकार से उनके नाना प्रकार की उनकी सेवा अर्चना करती हैं कि मेरी पुत्री बहुत समय पश्चात आज अपने पीहर आई है, अपने घर आई है, उनसे बातचीत करती हैं। परंतु जब इस प्रकार का व्यवहार वो अपनी माता के प्रति देखती हैं, तो माता से तो अति प्रसन्न होती हैं, परंतु बाकी के जितने भी लोग से उनसे बड़ी ही रुष्ट होती हैं कि आज पिता के ही घर में उनको पूछा नहीं जा रहा है, आज पिता ही उनसे मुंह फेर रहे हैं। जब वह भगवान शंकर का स्थान अब दक्ष प्रजापति के महल में यानी उस यज्ञ स्थल की भूमि पर नहीं पाती हैं, तो बड़ी ही गुस्सा हो जाती हैं, बड़ी ही आक्रोश में आ जाती हैं, और फिर उनके पिता भगवान शंकर के प्रति ऐसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार के कटु वचन कहते हैं कि माता सती रुष्ट हो जाती हैं और अपने पिता अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती हैं। और जो यज्ञ की अग्नि वहां पर जल रही थी, उसी यज्ञ की अग्नि के अंदर अपनी देह को भस्मीभूत कर देती हैं। जब भस्मीभूत करती हैं तो वहां पर सारी तरफ प्रलय मच जाती है कि भाई माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान शंकर जब वहां पर आते हैं तो उस देह को उठाकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उस देवी के 51 टुकड़े कर देते हैं। जहां पर भी भारतवर्ष में आज शक्तिपीठ मंदिर है, ये वही सती माता के मंदिर हैं जो कि 51 टुकड़े भगवान विष्णु ने किए थे, और भगवान माता सती के जो भगवान शंकर थे वो माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में गुजरे थे, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सैर करी थी। अब वही देवी आगे चलकर हिमावन राज के घर, हिमावन यानी हिम हिम यानी पहाड़ों के राजा थे हिम नरेश, हिमावन राज्य के घर में जब वह जन्म लेती हैं तो हिम यानी शैलराज हिमावन थे। शैल यानी शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत को जी पर्वत के जो राजा थे वो पिता थे माता शैल पुत्री के, जी इसीलिए माँ का नाम शैल पुत्री पड़ा। शैल राज हिमावन के घर जन्म लेने के कारण माँ का नाम शैल पुत्री पड़ा है। जी अब शैल पुत्री जो नाम पड़ा है वो किस प्रकार है कि भाई शैल राज हिमावन क्या जन्म लिया है तो माँ का नाम शैल पुत्री जो है पड़ा। अब प्रथम नवरात्र क्यों पड़ा, शैल राज हिमावन पहाड़ों के राजा थे। जी अब पहाड़ों के ऊपर हम क्या देखते हैं कि भाई वनस्पतियां उगती हैं, औषधियां उगती हैं, काफी प्रकार की जो है जड़ी बूटियां हमें जो है पहाड़ों पर देखने को मिलती जी हैं। अब जितनी भी जड़ी बूटियां थीं उन सबके अधिपति थे शैलराज हिमावन और माता शैलपुत्री उनकी पुत्री हैं, तो उन सभी की अधिष्ठात्री देवी माता शैलपुत्री हैं, यानी प्रकृति स्वरूपा हैं। जी प्रकृति जो है वो माँ शैलपुत्री हैं, सभी वनस्पतियों की औषधियों का भंडार माँ शैलपुत्री हैं। कहते हैं ना पहला सुख निरोगी निरोगी काया, काया जी भाई आपका शरीर निरोग नहीं होगा, आपका शरीर रोगों से ग्रस्त होगा तो आप आगे कैसे अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। इसीलिए माता ने प्रथम दुर्गा का स्वरूप माता शैलपुत्री को चुना है कि सबसे पहले अपने शरीर में से रोगों को दूर करना है। माता शैलपुत्री शरीर में से रोगों को दूर करती हैं और 9 दिन तक की शक्ति प्रदान करती हैं, उन उपवासों के दौरान उस शक्ति को हमें देती हैं जिस प्रकार हम अपने 9 दिन को आगे बढ़ाते हैं। संभव जी अच्छे से जी सके। जी जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मन में यह भावना रहती है कि आखिर नवरात्र, हम ये जानते हैं गुरु जी, ये भी मन में भावना लोगों की रहती है कि नवरात्र आ रहा है, इस नवरात्र में हम पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, लेकिन अगर अर्थ की बात की जाए
किस वजह से इस कहां से शुरुआत हुई, इसके पीछे का असली इतिहास क्या है, हर आदमी हर समाज के लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। वैसे हिंदू धर्म का ये बहुत ही विशेष पर्व है, गुरुजी ने जिस तरीके से आपको बताया कि आखिर में अगर ये नवरात्र पड़ा किस वजह से और माँ शैलपुत्री का नाम किस वजह से शैलपुत्री पड़ा, और नवरात्र में पहले दिन माँ शैलपुत्री को क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे का आपने बहुत ही सही तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। गुरु जी एक चीज और भी दिमाग में, जब ये बात आती है नवरात्र पूजा की, स्थापना की बात आती है, तो मन में ये ख्याल आता है कि किस तरीके से स्थापना की जाए। ऐसा है कि प्रथम दिन में कहते हैं कि घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, तो कलश स्थापना के बीच में इसके पीछे का क्या कुछ विषय है, जो हमारे दर्शक, बहुत ऐसे दर्शक हैं जिनके जिनके विषय में उनको जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाई है। देखिए, कलश स्थापना जो है, कलश से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। जी हमारा जीवन एक कलश की ही भांति है, एक कलश की ही भांति है। जिस प्रकार संसार गोल है, उसी प्रकार कलश भी गोल है। और जिस गर्भ के अंदर मनुष्य रहता है, वो माँ का जो गर्भ है, वो पेट भी गोलाकार में ही होता है। तो कलश स्थापना माता की जो करी जाती है नवरात्र के दिन, उसके अंदर, कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी। माता भगवती के साथ साथ उसके अंदर वरुण यानी जो जल के देवता है साक्षात मौजूद होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मौजूद होते हैं, यम उसके अंदर मौजूद होते हैं, योगिनियां मौजूद होती हैं, दसों दिशाओं की देवियां मौजूद होती हैं, चारों दिशाओं के प्रहरी मौजूद होते हैं, भैरव में मौजूद होते हैं, बटुक भैरव मौजूद होते हैं। उसके अंदर सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है कि हम 10 दिन तक जो ये नवरात्र की पूजन विधि है, 9 दिन का, और 10वें दिन माता के उस सारे समापन की जो विधि होती है उसको संपन्न किया जाता है, कि जो ये विधि करने जा रहे हैं, हम इस कलश को जो स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें सभी देवी देवताओं का जो आवाहन किया गया है, हम सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस दौरान हमारे कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर और हमारे जिस समाज में हम रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई हानि, कोई दुर्घटना ना घटे और हमारा जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से सफल हो। अब आपने घट स्थापना कैसे करनी है? जी, सबसे पहले आप घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा है, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी एक ऐसी, कहते हैं ना, अग्नि पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, कि मिट्टी सबसे पवित्र है। आप चाहे सोने की धातु रख लीजिए, चाहे चांदी की धातु रख लीजिए, पर मिट्टी से पवित्र कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये भी मिट्टी है। जी। तो मिट्टी के कलश के अंदर आप उस मिट्टी के कलश को पहले अच्छे से किसी साफ स्वच्छ जल से धो लें, उसके ऊपर आप जो है क्या कहते हैं उसमें के ऊपर कलावा यानी मौली को बांधें, उसके अंदर जल भरें और उसके ऊपर एक लाल रोली से स्वास्तिक बनाएं। जी। साबुत चावल आप उस घड़े के अंदर डालें, हो सके तो अनार, अनार जो कि लाल रंग का एक फल होता है, उस अनार को उसके अंदर डालें, 2 लौंग के जोड़े डालें, 2 इलायची डालें, 1 सुपारी डालें और उसके अंदर गंगा जल डालें, हो सके तो उसके अंदर गुलाब पुष्प भी डालें, गुलाब पुष्प नहीं है तो जो आपके पास मौजूद है उन पुष्पों को उसके अंदर डाल दें, और 1 रुपए का सिक्का या जितनी आपकी श्रद्धा हो, सिक्का, नोट की बात नहीं करूंगा, सिक्का उस कलश के अंदर, उस सिक्के को डालें, और आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते उस कलश के ऊपर लगाएं, नहीं तो बड़ के पत्ते उस कलश के ऊपर लगाएं, और उसके ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर पान का पत्ता, और नारियल के पान के पत्ते के ऊपर में सुपारी, चावल, रोली, मोली, लौंग, सुपारी, सब प्रकार से उसको चुन्नी से बांध दें नारियल को पान के पत्ते के साथ, और कुछ दक्षिणा रख के घड़े में भी दक्षिणा डालनी है और नारियल के ऊपर भी दक्षिणा रखनी है, और जो है फिर नारियल को माँ भगवती का नाम लेकर उसके जो है घड़े के ऊपर स्थापित करना है। परंतु घड़े को कहाँ स्थापित करना है? जो आप भगवती दुर्गा का जो चित्र लगाएंगे, भगवती दुर्गा के सीधे हाथ की तरफ वो आपने कलश स्थापित करना है, जो माता का हाथ वर मुद्रा में होता है ना वरदान देते हुए, आपने उसी की तरफ कलश को स्थापित करना है और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भगवती माँ, आप हमारे घर में वास करो, निवास करो, जो कोई भी हमसे भूल चूक या गलती हुई हो आप उसको क्षमा करो, सभी देवी देवताओं के साथ आप इस घड़े के अंदर, इस कलश के अंदर अपना वास करके हमारे परिवार के अंदर सुख सौभाग्य में वृद्धि करो। इस प्रकार आपने माँ से जो है अपनी मनोकामना जाहिर करनी है। अब बात आती है खेतरी बीजने की। हम देखते हैं कि भाई जो खेतरी जो बोई जाती है माता की, वो बहुत ही अच्छी और पवित्र पावन जो जो है खेतरी बोई जाती है और सभी को बोनी चाहिए। ये खेती वंश वृद्धि के लिए होती है। मैं आपको बता दूं, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि आज से हिंदू धर्म का नव वर्ष प्रारंभ है, और आप सभी को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
अब आपने जो खेतरी बोनी है वो रेत के अंदर या मिट्टी के अंदर, रेत यानी बालू मिट्टी दोनों में से किसी भी चीज के अंदर, आप किसी मिट्टी के कुंडे के अंदर ले लो या फिर जमीन के अंदर भी आप उस खेती को बो सकते हैं। रेत या मिट्टी लेकर उसके अंदर साफ देख लें, कोई कंकड़ पत्थर इत्यादि ना हो, और उसके अंदर जौ को लेकर अच्छे से बोएं, गंगा जल के छींटे लगाएं, थोड़ा सा पानी डालकर उसको बोलें। अगर आपकी खेतरी 2 दिन के अंदर ही अंकुर फूट जाते हैं, 2 दिन के अंदर ही अंकुर फूट जाते हैं, परंतु खेतरी धीरे बढ़ती है, तो आप ये सोचिए कि आपके परिवार के अंदर धन लाभ तो होगा परंतु वह धीरे धीरे होगा। खेतरी अगर नहीं हो पाती है किसी कारण से, तो सोचिए कि परिवार में कुछ शायद संकट हमारे यहाँ आने वाला है, परंतु उस भगवती से आप इच्छा, आप अपनी मनोकामना करें, भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती माँ, जो हमारे परिवार पर जो संकट कल आने वाला है वह आपकी कृपा से दूर हो जाए, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट ना हो। यदि आपकी खेतरी बहुत अच्छी होती है तो आपका परिवार खूब अच्छा फलेगा फूलेगा, और माता की खेतरी को आपने इसी प्रकार बीजना है। खेतरी बोने का मकसद ही ये होता है कि आपके वंश की वृद्धि, कि माँ जो हमारा कुटुंब है, जो हमारा वंश है, इसमें दिनों दिन रात चौगुनी वृद्धि हो, वृद्धि कैसे हो? वृद्धि जी वृद्धि के साथ इसको बोना है, और इसी प्रकार आपने घट स्थापित करना है और आपने जो है खेतरी बीजनी है। जी तो दर्शकों, आप इस कार्यक्रम के तहत पंडित जी जैसे गुरु जी बता रहे हैं, उसी तरीके से आप अगर घट स्थापना कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए एक तरीके का मार्गदर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जा रहा है। गुरु जी किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि आप स्थापना किस तरीके से कर सकते हैं, कलश स्थापना का क्या विशेष महत्व होता है, किस आधार पे क्या क्या कुछ डालने होते हैं, जैसा आपने बताया कि उसमें अगर हम लौंग डालते हैं, उसमें हम सुपारी डालते हैं, क्या जरूरी होता है, क्या पद्धति है, पूजा पद्धति किस तरीके से घट स्थापना की गुरु जी ने बताया, और ये भी बताया कि अपने सुख समृद्धि और परिवार की वृद्धि के लिए हमें कैसे खेतरी बोनी चाहिए वो भी चीजें बताई, और उसमें कैसे अंकुरण हो आप अनुभव कर सकते हैं। आप खेतरी अगर बोते हैं और उसके बाद अगर अंकुरण, जैसा आपने गुरु जी ने बताया, अगर ये चीज होता है तो आप, अगर नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप माँ से प्रार्थना करिए, वो जगत जननी जगदम्बा हैं, उनसे निवेदन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, जरूर जरूर खुशहाल जीवन होगा, स्वस्थ जीवन होगा और संपन्न जीवन होगा। आगे बढ़ते हैं गुरु जी, और भी जानने की अपेक्षा ये है हमारे मन में और हमारे दर्शकों के भी मन में वो, कि जब भी कभी स्थापना होती है, घट स्थापना तो हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं दीप की, अखंड ज्योति जिसे कहते हैं, तो अखंड ज्योति जलाने के लिए कोई मंत्र विशेष होता है या फिर उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, जैसे आपने घट स्थापना की बात की, आपने खेतरी की बात की, तो अखंड ज्योति कैसे जलाएं, किन मंत्रों के थ्रू जलाएं? देखिए, अखंड ज्योति आप अपने घर में जलाते हैं, माँ ज्वाला का साक्षात स्वरूप है अखंड ज्योति। जी जिस घर में माँ की ज्योत जगे वो घर है किस्मत वाला, जिस घर के अंदर माँ भगवती की ज्योत जगती है वो घर किस्मत वाला होता है, और खुद भक्तों के कष्ट मिटाने खुद आई मात ज्वाला, माँ भक्तों के कष्ट मिटाती है, सब रोग दोष व्याधियों को अपनी अग्नि के अंदर समाप्त कर देती है, और ज्ञान का प्रकाश, धन का प्रकाश आप घर के घरों में माँ फैलाती हैं। जी अब आपने गाय का शुद्ध घी हो तो आप उससे माँ की ज्योति जलाएं, अगर गाय का नहीं मिल पाता है घी तो आपके घर में आप कोशिश करें जो मलाई इत्यादि से घी निकाला जाता है उस घी को जलाएं। कहने का मतलब यह है कि शुद्ध घी होना चाहिए, चाहे वो भैंस इत्यादि का हो या गाय इत्यादि का हो। अब आपने ज्योति किस प्रकार जलानी है, ज्योति जो आपका दीपक होता है, पीले जो हल्दी होती है, साबुत चावल, ध्यान रखिए आपने जो पूजन करना है माँ का या कोई भी पूजन करना है, आपने टूटे हुए चावल कभी इस्तेमाल नहीं करने, टूटे हुए चावल से तो अच्छा है ना इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है, तो भी कोई अंश नहीं है, क्योंकि टूटे चावल ना अच्छे कार्य में काम आते हैं ना ही पुण्य फल में काम आते हैं, तो आपने साबुत चावल लेने हैं और उसको हल्दी के अंदर जो है चुटकी दो चुटकी हल्दी लेकर उनको पीला कर लेना है, जो ज्योति आपने माँ की अखंड दीपक जो जलाया है, माँ का जो जलाने जा रहे हैं उसके नीचे उन चावलों को डाल देना है। जैसे गुरु जी ये भी कहा जाता है, कई ऐसे पंडित जी से बात होती है तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अक्षत है तो अक्षत मतलब खंडित नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, अक्षत अगर जैसे आपने कहा ना कि हमारे दर्शकों को बताया कि जो भी अक्षत आप लें, जो भी चावल आप लें वो खंडित ना हो, खंडित होने से अभिप्राय ये है कि आपका जो अगर आप साबुत अक्षत रखेंगे तो आपका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, आपका कभी अहित नहीं हो सकता, अहित के शब्द से अगर लिया जाए, तो आगे भी पंडित जी क्या कुछ बता रहे थे ये।
देखिए अक्षत, जैसा कि इन्होंने कहा, अक्षय का मतलब है कि निरंतर चलना, जी कभी समापन ना होना। जी अक्षय फल माना जाता है। हुँ. अक्षय संस्कृत का शब्द है जिसे हम चावल हिंदी के शब्द में कहते हैं, जी परंतु यदि वह टूट जाता है, कहते हैं ना कि जो टूटी हुई चीज होती है उनका या जो खंडित चीज होती है उसका हमें पूजन में प्रयोग नहीं करना जी. चाहिए, जी. है ना। जी. अब हम मस्तक पर लगाते हैं, कभी आपने देखा कि किसी के मस्तक पर टूटे हुए चावल लगे हुए हैं? रोली इत्यादि के बाद हम चावल लगाते हैं, साबुत चावल जो है लगाए जाते हैं। टूटे हुए चावलों का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हमें उन्हें पूजन में खंडित माना जाता है। अक्षय का मतलब है शुभ फलदायक, कि माँ जो शुभ, ये जो पवित्र पावन अक्षय, जिस प्रकार ये चावल का दाना लंबा है और भीगने के बाद ये और लंबा हो जाता है, उसी प्रकार आप हमारे जीवन में आयु को लंबा करना और धन की वृद्धि करना। टूटे हुए चावल इसी कारण से हम प्रभु की पूजा में नहीं चढ़ाते हैं। अब बात कर रहा था मैं जो है किस प्रकार जो है अखंडित ज्योति जलानी चाहिए। जब आप उसके अंदर चावल डाल देंगे ज्योति के नीचे, ज्योति के, आपने दीपक के अंदर चावल नहीं डालने, दीपक के नीचे चावल डालने किसी प्लेट इत्यादि के अंदर, उनको पीला कर और आपने ज्योति को बना लेना है। कलावे की लंबी बत्ती बना लीजिए, नहीं तो आजकल मार्केट में बाजारों में खूब जो है बत्तियां मिलती हैं अखंड ज्योति की, घी से भर देना है। और माँ की ज्योति जलानी किसको है? जो आपके घर में सबसे बड़ा व्यक्ति हो, कहने को या तो वह बुजुर्ग हो, अगर बुजुर्ग नहीं जला सकता तो आप उस व्यक्ति के हाथों से जलवाएं जिससे पूरे घर का खर्चा चलता है, जो परिवार के अंदर भरण पोषण करता है, आपकी रसोई इत्यादि के अंदर सामान डालता है, उस पुरुष के हाथों ज्योति जलवाएं। और उसके साथ यदि वह शादीशुदा है तो उसकी अर्धांगिनी भी उसमें हाथ जरूर लगाएं। जी अब मां से क्या प्रार्थना करनी है जब आप ज्योति जला रहे हैं? आपने चमन की स्तुति है कि ये बहुत ही सुंदर, के माटी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, और अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के नाम से, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शक्ति शक्ति दो मुझे करूं तुम्हारा ध्यान, हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी मात, सुंदर दीपक घी भरा करूं आज तैयार, और ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार, सूर्य चंद्रमा की भांति ज्योति रमने अखंड, और सब में व्यापक तेज है मेरी ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जग जननी मेरी माँ रक्षा करो हमेश, और दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश, पूजा में जो तेरी माँ कोई निर्विघ्न होए, और दाती अपनी दया से ध्यान न देना कोए, मैं अनजान मलिन मन ना जानू कोई रीत, और अटपटी वाणी को ही माँ समझो मेरी प्रीत, मेरे अवगुण बहुत हैं देना नहीं माँ ध्यान, और सिंह वाहिनी माँ अंबिके करो मेरा कल्याण, धन्य धन्य माँ अंबिके शक्ति शिवा विशाल, और अंग अंग में रम रही मेरी दाती दीन दयाल। इस प्रकार की स्तुति आपने दीपक जलाने से पूर्व करनी है। ये आपको मिलेगी कहां से? दुर्गा सप्तशती जो चमन की किताब आती है, जिन्होंने चमन जो एक व्यक्ति है जिन्होंने इस किताब का सरल हिंदू हिंदी अनुवाद करा है, आप उसमें तीसरे चौथे पन्ने पर यह स्तुति लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी अखंड ज्योति को जला सकते हैं। ज्योति जलाते वक्त स्तुति को पढ़ें और माँ से यही प्रार्थना करें कि माँ जो हम आपकी ये ज्योति जलाने जा रहे हैं, हमारे घर के अंदर से दुख दरिद्र रोग इत्यादि जितनी भी कलेश है उसका आप समापन कर देना, और आपके जलते ही आप जिस प्रकार यहाँ प्रसन्न हो, आप ज्वाला देवी का ध्यान करके माँ की ज्योति को जलाएंगे और ज्योति में देखकर ये कहना कि हे मातेश्वरी, जिस प्रकार आपकी ज्योत हमने जगाई है, मेरे हृदय के अंदर सदैव आपकी ज्योत विद्यमान रहे, मेरे घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि हो, ज्ञान का प्रकाश बढ़े, और संसार के अंदर एक ऐसा प्रकाश हो जिससे सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर हो, सभी अपने माता पिता का आदर करें, और हमारा सनातन धर्म दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। इस प्रकार आपने माँ से प्रार्थना करनी है, माँ से नतमस्तक होकर उनसे भगवती से मांगना है, वह अवश्य पूर्ण करेगी, आपके सभी कार्य सफल करेगी। तो दर्शकों, अब ये आप एक तरीके से अगर कहा जाए तो आपकी स्थापना भी हो गई और अखंड ज्योति भी जल गई। इस अखंड ज्योति के साथ साथ पंडित जी एक चीज और भी मन में ख्याल आता है कि अगर माँ के स्वरूप को देखा जाए तो अक्सर माँ को लाल चुंडी से सजाया जाता है, संवारा जाता है और भक्ति समर्पित की जाती है। तो आखिर में इसके पीछे का भी कुछ क्या उद्देश्य है या कुछ पद्धति के आधार पर माँ शैलपुत्री या माँ नवदुर्गा को अगर देखा जाए तो ज्यादातर वो लाल चुनरी में ही रहती है,
इसके पीछे का क्या कुछ हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि लाल रंग ही माँ को क्यों क्यों प्रिय पसंद? है। जी देखिए, जो भक्त का हृदय होता है वो सबसे बड़ा करुणा से भरा होता है, और माँ जो है एक ऐसी मूरत है, कहते हैं ना, जब माँ कह दिया तो माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। जी और लाल रंग जो है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग सबसे ज्यादा प्रेम का प्रतीक है, लाल रंग उत्तेजना का प्रतीक है, यानी तेज का प्रतीक है। जी अब देखिए, हमारे रक्त का, मैं आप ही से पूछूंगा, जो जी हमारा रक्त यानी जो इसे शरीर के अंदर जो खून बह रहा है, जो जी रक्त बह रहा है, उसका रंग कैसा है? लाली लाल है। जी और हम माँ के कौन है? लाल लाल है। माँ ने हाथ में चूड़ी कैसी पहनी है लाल और सर पे चुन्नी कैसी ओढ़ी है? लाल लाल। तो माँ को प्रिय है लाल रंग, इसी वजह से कारण हम माँ के लाल हैं, खून लाल है, और भगवती माँ को लाल रंग प्रिय है, क्योंकि लाल रंग सुहाग की निशानी है। माँ वो कुंवारी कन्या है जो आज भी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही है, जो माता ने नव दुर्गा स्वरूप से पहले, जब वैष्णो माँ का अवतार हुआ था, जी जब वैष्णो माँ आई थी, तो भगवान राम ने उन्हें कहा था कि मैं कलयुग के अंदर कल्कि अवतार लेकर आपसे विवाह करूंगा, और तब तक आप त्रिकूट पर्वत पे जाकर धर्म की जोत जगाएं, वैष्णव धर्म की महिमा को बढ़ाएं। तब से लेकर आज तक माँ वहीं पर वैष्णो धाम में पूजी जाती हैं और अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। और आज यानी इस कलयुग के अंदर कल्कि अवतार होना है, और भक्तजन माँ के इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार माँ का विवाह जो है भगवान राम से होगा, ये कलयुग में ही होना है। इसी वजह से माँ कुंवारी होने के बाद भी लाल चुन्नी को ओढ़ती हैं, लाल रंग को प्रिय। माँ का जो पवित्र पावन रंग है वो लाल रंग का है, यही कारण है कि माँ को लाल रंग प्रिय है। तो आपने दर्शकों, आप तो जान ही गए होंगे कि माँ का रंग लाल चुनरी, लाल चुनरी क्यों चढ़ाया जाता है, माँ को लाल फूल क्यों चढ़ाया जाता है, और माँ लाल कलर का चूड़ी क्यों पहनती हैं, गुरुजी ने बताया। और इस जानकारी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, एक मन में यह भी ख्याल आता है कि आखिर में पहले जो भी स्थापना के बाद मंत्रों की जो बात की जाए, तो हम आम जनमानस में संस्कृत का उच्चारण करना सही तरीके से, या फिर उन गृहिणियों को जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मन में भावना है, माँ के प्रति श्रद्धा है, अगर वो श्रद्धा भाव से माँ का स्थापना कर रही हैं और पूजन मनन कर रही हैं और व्रत भी रख रही हैं, तो वो किस तरीके से उच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें, और आज प्रथम दिन है, पहले दिन किस मंत्रों का उच्चारण करें जिससे धन धान्य और सब कुछ संपन्न हो सके? देखिए, जो स्त्रियां घर में पढ़ी लिखी नहीं है, जी तो सबसे पहली बात यह है कि जो मन के भाव है ना, वो निर्मल होने चाहिए। जी आप हाथ जोड़कर माँ के प्रति बैठ जाओ, माँ अवश्य सुनेगी। देखिए, जब अपने उस समय को याद कीजिए जब आप शिशु हुआ करते थे, एक बालक हुआ करते थे, और जी आप अपनी माँ को आवाज देते थे कि मम्मी या माँ बोलते थे, माँ, माँ तुरंत पीछे मुड़कर बोलती थी, बेटा आई, जी अभी आई। जब जन्म देने वाली माँ ना माँ का एक शब्द सुनकर आपको ये कहती है कि मैं अभी आई, तो ये तो जगत की जननी है। इसे आप अपने हृदय से बोलिए, माँ आएगी और अवश्य आएगी, कोई ताकत नहीं है कि ना आए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, और माँ आती है। आपने हृदय से माँ का नाम लेना है और हृदय से माँ की पूजा करनी है। नहीं आता मंत्र, कोई जरूरत नहीं है मंत्र की, बस माँ का जो मंत्र है वह तो आपको आता है ना, जी सिर्फ माँ बोलो जिन्हें नहीं आता। वरना एक जो हम गृहस्थ जीवन के अंदर जी रहे हैं, हम नाना प्रकार के मंत्रों को नहीं जानते हैं। अगर आप मंत्र ही बोलना चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप उच्चारण माँ के प्रति करें और माँ की पवित्र पावन ज्योति को जलाएं, और हृदय से माँ से यही प्रार्थना करें कि माँ, हम पूजन विधि नहीं जानते, आपका किस प्रकार पूजन किया जाता है, हम तो एक ऐसे प्राणी हैं जो सुना और बताया उस प्रकार हमने आपका पूजन कर दिया। हे भगवती, यदि हमारी पूजा के अंदर लेश मात्र भी भक्ति भाव आया हो, तो हे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, आप उसी से ही प्रसन्न हो जाना और हम पर अपनी दया दृष्टि को बनाए रखना, यही आपने माँ से प्रार्थना करनी है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे यह कार्यक्रम किस तरीके से हम आपको 9 दिन नवरात्र पहले दिन से शुरुआत किए हैं, आज पहला नवरात्र का यह पर्व है, और इस चैत्र नवरात्र में घट स्थापना कैसे की जाए, कलश स्थापना कैसे की जाए, खेत्री कैसे बोया जाए और अखंड ज्योति कैसे जलाई जाए, इन सब चीजों को लेकर के गुरुजी ने बताया, और सुख समृद्ध
साली हम कैसे अपने जीवन को बना सके, मां के साथ कैसे विनती और अर्चना की जाए, ये कार्यक्रम लगातार 9 दिनों तक आएगा। आप इस कार्यक्रम को 9 दिन के नवरात्र के तौर पर दे सकते हैं। जय पारस परिवार की तरफ से हिंदू नववर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कल यानी दूसरे दिन इसी कार्यक्रम के तहत और सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय माता दी।